खबर बिहार के कैमूर से, जहां बुधवार को रामगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ौरा चेकपोस्ट पर कैमूर पुलिस को शराब की बड़ी खेप हाथ लगी। जो यूपी से सटे बॉर्डर बिहार के बॉर्डर पर बड़ौरा चेकपोस्ट बनाया गया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने सूचना पर मिनी ऑयल टैंक के अंदर रखकर ले जा रहा 2141 लीटर शराब की बड़ी खेप के साथ दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर बक्सर जिला के बगेनगोला थाना क्षेत्र के भादा गांव निवासी उमाशंकर पांडे और दयाशंकर पांडे, दोनों सगे भाई बताए गए हैं। ये बड़ौरा चेक पोस्ट है यहाँ पे हम लोगों का। उस चेक पोस्ट पे लगातार चेकिंग चल रहा था, तो यूपी के साइड से एक मिनी ऑयल टैंकर प्रवेश किया, जिसको चेक करने के बाद पता चला कि उसमें ऊपर में कुछ ऑयल था, लेकिन अंदर में उसमें काफ़ी शराब की मात्रा रखी थी। कुल 2141 लीटर शराब बरामद हुआ है वहाँ पे और दो लोगों को गिरफ्तार किया। लगभग कितने की हमारी टीम को, बड़ौरा चेक पोस्ट टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मिनी ऑयल टैंकर में गाजीपुर के रास्ते एक टैंकर जाने वाली है, उसमें पूरा पूर्ण भरा हुआ माल है और मोबिल के आड़ में शराब का धंधा कर रहे हैं। तो उसी सूचना के आलोक में हमारी टीम काफ़ी सतर्क थी और सतर्कता के कारण हमारी टीम को सफलता भी मिली है। और पटना नंबर टैंकर थी और उसमें दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसमें कुल 247 कार्टन अवैध विधि शराब जब्त किया गया है। चुनाव के बीच ये बड़ी शराब जब्त की, सर क्या लगता है कहाँ ले जा रहा था, क्या चुनाव में खपाने के लिए? सही है, लेकिन ये माल इस जिले के लिए नहीं ले जाए, वो आगे कहीं ले जाया था, उसका फोन का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा।